टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे होती है। जैसे फर्स्ट बेसिस है बेसिस ऑफ शेप। शेप के बेसिस पे दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। फर्स्ट आर ग्लोबुलर प्रोटीन, सेकंड आर फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन कॉम्पैक्टली फोल्डेड होती है। फोल्डेड चेन होगी, इसमें स्ट्रेट या लीनियर बोल सकते हैं हम, और स्पायरली कॉइल्ड। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड्स की। इसमें चार टाइप के बॉन्ड होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन में। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये चार टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स के अंदर। लेकिन फाइब्रस प्रोटीन के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं चेन को। ठीक है, कौन से स्ट्रक्चर्स में होते हैं ये? टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, रस्टी स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन का, और फाइब्रस प्रोटीन का प्राइमरी भी हो सकता है, और एच बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेकेंडरी में। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में, ठीक है, और डाइल्यूट एसिड्स, सॉल्ट्स, अल्कलीज में। ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होंगे, एसिड में, साल्ट में और अल्कलीज में घुल सकते हैं ये, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ये डाइल्यूट मतलब कम कंसंट्रेशन वाले एसिड्स में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। ये मेजर करैक्टर होता है फाइब्रस प्रोटीन्स का। ठीक है, जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। एग्जांपल्स, एग, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स,
जितने भी टाइप के प्रोटीन्स होते हैं और सॉरी एंजाइम्स, ऑल टाइप ऑफ एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। इसमें अल्फा कैरेटिन फाइबरस में जो हेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर होता है कोलेजन, ये याद रखना, कोलेजन एनिमल किंगडम का मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है, ठीक है, एंड मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल किंगडम। ठीक है, और एग्जांपल्स मायोसिन, ठीक है, अल्फा कैरेटिन, मायोसिन, कोलेजन, और एक फिब्रिन, ये एग्जांपल है फिब्रिन, अल्फा कैरेटिन, मायोसिन और कोलेजन फाइब्रस प्रोटीन्स के। सेकंड बेसिस है ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन थ्री टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यहाँ प्रोटीन सिर्फ अमाइनो एसिड से मिलकर बनाता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ओनली अमाइनो एसिड्स, ठीक है। एग्जांपल्स एल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, हिस्टोन्स, कोलेजन, ठीक है। दूसरे हैं हमारे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में अमाइनो एसिड तो होगा, मतलब दो पोर्शन होंगे, एक प्रोटीन पार्ट होगा, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होगा, ठीक है, प्रोटीन एसोसिएटेड विद नॉन प्रोटीन कंपाउंड। इन नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स को हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई लिपिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है कोई भी। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, या कोई मेटल हो सकती है, ठीक है, कोई भी एफी, जिंक, कॉपर, ठीक है, जो प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड से मिलके बनते हैं, प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, उनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, मेटल प्लस प्रोटीन, मेटेलो प्रोटीन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन को हम ग्लाइको प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन को लाइपो प्रोटीन, ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन
प्लस फॉस्फो ग्रुप, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड को हम फॉस्फो प्रोटीन्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड है डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन आर प्रोडक्ट ऑफ डीनेचुरेशन, और पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, जहाँ तो प्रोटीन डीनेचर होता है, जैसे टेम्परेचर राइज कर देते हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, या किसी एसिड की मदद से हम उसे डीनेचर करते हैं, या पार्शियल डाइजेशन माना एंजाइम की वजह जब डाइजेशन होता है तब प्रोटीन्स ब्रेक होते हैं। ठीक है, स्मॉल या सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में उन्हें हम डिराइव्ड प्रोटीन बोलते हैं। एग्जांपल्स फिब्रिन। फिब्रिन किससे बनता है? फिब्रिनोजन से। फिब्रिनोजन से डाइजेस्ट होके, पार्शली डाइजेस्ट होके फिब्रिन बनता है। ठीक है, मायोसिन से मायोसैन बनता है। ठीक है, यहाँ पेप्टोन्स प्रोटियोजिस, ये सब एग्जांपल्स हैं ड्राइव्ड प्रोटीन के। ठीक है, ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंजाइम के बारे में डिस्कस करेंगे।